रियासत में लगातार चौथे दिन भी बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से उधमपुर से लेकर बनिहाल तक हजारों वाहन फंसे हुए हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला एवं पुरुषों को कड़ाके की ठंड में परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये रास्ता खराब है, बनिहाल का भी रास्ता ये बंद है, सारा बंद है, काम दूसरे दिन बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। होटल वाले के पास जाते हैं 1500 रुपए कमरे, दाल चावल 40 रुपए 120 मांगता है, कमरे भी मिलता नहीं है। जिस गरीब के पास 200 रुपए नहीं, वो कहाँ बैठेंगे फिर? हमारे गाड़ी में सर्जरी पेशेंट है, हमारी माँ सर्जरी पेशेंट है, बच्चे हैं 5 गाड़ी में, कहाँ जाएंगे हम? फिर रात को यहीं स्टे किया, गाड़ियों में गाड़ी होटलों में बैठे, होटलों में तो रूम ही नहीं थे, अब फिर भी यहाँ पता नहीं अब क्या पेशेंट रहेंगे। जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो पहले से ही अरेंजमेंट रखा करें यहाँ पर, ताकि लोग सफर ना करें। वहीं यात्रियों ने राज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा है कि रास्ता बंद होने पर यात्रियों के लिए पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।